Hey! उत्तर प्रदेश में गौ तस्करों की हिम्मत बढ़ती ही जा रही है। आलम यह है कि अब गौ तस्कर खुलेआम गोलियां चलाने लगे हैं। आम लोगों को तो भूल जाइए, अब पुलिस भी इन गौ तस्करों से सुरक्षित नहीं है। गौरतलब है कि मेरठ के मुंडाली थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान गौ तस्करों एवं पुलिस में मुठभेड़ हो गई। बाइक से भाग रहे गौ तस्करों ने एसओ मुंडाली रितेश कुमार पर फायरिंग कर दी। इस बीच पुलिस ने घेराबंदी की तो दोनों बाइक छोड़कर जंगल में भागने लगे। पुलिस द्वारा चलाई गई गोली में दोनों गौ तस्कर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। पुलिस ने दोनों के पास से दो तमंचे और पशु काटने के तीन छुरे और एक बाइक बरामद की है। जानकारी के मुताबिक एसओ मुंडाली रितेश कुमार पुलिस फोर्स के साथ मुंडाली क्षेत्र में चेकिंग कर रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो युवक जो गौकशी करते हैं वो गांव जिसोरी की तरफ से एक बाइक पर सवार होकर अजराड़ा के जंगल में गौकशी करने जा रहे हैं। इसके बाद मुंडाली पुलिस ने अजराड़ा तिराहे के पास सामने से आ रही बाइक को रोकने के लिए इशारा किया तो बाइक रोकने के बजाय पीछे बैठे युवक ने पुलिस पर फायर कर दिया, जिसमें एसओ मुंडाली बाल बाल बच गए। पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। एसओ मुंडाली अपने फोर्स के साथ अजराड़ा चौराहे पे चेकिंग कर रहे थे। मोटरसाइकिल से दो बदमाश दिखाई देते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। बदमाशों ने पुलिस के ऊपर फायर किया। बदमाश पुलिस ने जवाबी फायर किया तो दो बदमाशों को इसमें गोली लगी। दोनों घायल हुए हैं और दोनों को गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों की पहचान एक की मोहम्मदीन और दूसरे की एजाज, ये जबरदीन के लड़के हैं, उनके रूप में हुई है। ये जबरदीन वही है जिसके जिसका पूरा खानदान गोकशी के लिए बदनाम है और इसके दो लड़के पहले से जेल में है गोकशी के आरोपों में। इन दो ये जो दोनों बदमाश पकड़े उनके भी करीब 2 दर्जन से अधिक मुकदमे गोकशी के गोवध के दर्ज हैं और ये बड़ी कामयाबी आज मुंडाली पुलिस को मिली।